इंसान को हमारे को डिसीजन लेने में या तो उसकी जो समस्या है उन समस्याओं को समाधान करके उनको एक अच्छा निर्णय लेने में हमको उनको मदद करना है, इसका नाम है फीडबैक। तो फीडबैक दो तरीके का होता है, एक होता है स्पॉट फीडबैक या तो हम इसको बोलते हैं आफ्टर रेसिपी फीडबैक या तो स्पॉट फीडबैक, और दूसरा होता है होम फीडबैक। तो होम फीडबैक के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, अभी हम स्पॉट फीडबैक को लेकर थोड़ा बात करते हैं। स्पॉट फीडबैक होता क्या है? स्पॉट फीडबैक का मतलब है इंसान को प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद वहां पर इसको पूरा फीडबैक करना है। तो हमने एक प्रोसेस चालू किया कुछ एक 6-8 महीना हो गया कि हम स्पॉट फीडबैक में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। स्पॉट फीडबैक में ध्यान दे रहे क्योंकि देखिए आज का कोरोना का ऐसा परिस्थिति हो गया पूरे भारत में, यहाँ पे लोगों को आज के दिन में 18,000 रुपया या तो 17,999 रुपया या स्मार्टफोन देने में बहुत दिक्कत आ रहा है। क्यों दिक्कत आ रहा है? क्योंकि लोगों का पिछले 6-8 महीने से रोजगार कम हो गया, तो काफी सारे लोग ये दिक्कत फेस कर रहे हैं कि वो डायरेक्टली स्मार्टफोन का ट्रेनिंग नहीं ला पा रहे। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही प्रॉब्लम है क्योंकि हम एक छोटा मोटा एरिया में यहाँ पे ज्यादातर लोग फार्मर है और बाकी कुछ लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, बाकी सब छोटा मोटा बिजनेस करके अपना गुजारा करते हैं। तो पिछले 6-8 महीने से लोगों का रोजगार बंद है, उस जगह से अभी 18,300 का डिग्री लाना मतलब काफी दिक्कत है। दिक्कत मतलब आपको फाइन बहुत करना पड़ेगा। तो ठीक है, डिग्री आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है, आ रहा है, जितना आना चाहिए था उससे थोड़ा बहुत कम है लेकिन आ रहा है। दिक्कत इसलिए आ रहा है क्योंकि आज के दिन में लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है, उस जगह से मेरे को उनके घर से पैसा निकालना है तो मेरे को स्पोर्ट फीडबैक में ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। तो हमने एक प्रोसेस स्टार्ट किया कि आफ्टर प्रेजेंटेशन हम फॉर्म फिलअप में बहुत ज्यादा ध्यान लगाते कि प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद ही वहां पे एक इंसान का फॉर्म फिलअप कराना है मेरे को किसी भी हाल में। क्यों? आप एक इंसान का फॉर्म जब फिलअप करोगे तो साइकोलॉजिकली आप उसको ब्लॉक कर सकते हो कि मैंने फॉर्म फिलअप कर लिया, मैंने साइन कर लिया, अभी तो मेरे को क्या करना है वो माइल्स लेना ही है, तो 50 माइल्स, तो 100 माइल्स या 75 माइल्स। तो ये एक तरीका हमने लगाया कि मेरे को प्रेजेंटेशन के बाद ही फॉर्म फिलअप करना है। वो कैसे फॉर्म स्पॉट फीडबैक में करते हैं कि प्रेजेंटेशन हो जाने के बाद ज्यादा तो लोग क्या होता है प्रेजेंटेशन करके जूनियर के ऊपर छोड़ देता है। तो अभी एक बंदा जो एडमिशन लिया है 7 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना हुआ, वो क्या करता है बाहर जाके प्रोस्पेक्ट के साथ उस तरह बात नहीं कर पाता है, वो जाके पूछता है कि भाई कैसा लग रहा है तेरे को, तू करेगा क्या, मैं कर रहा हूँ। उस जगह पे क्या होता है मतलब आपने जो मेहनत करके एक डेढ़ घंटा प्रेजेंटेशन करके एक सिचुएशन तैयार किया था उस सिचुएशन को बर्बाद कर देता है। आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन में टेक अवे किया लेकिन वो बंदा क्या कर रहा है जाके उसको रिक्वेस्ट मार रहा है, कर ले भाई अच्छा होगा मैंने कमाया तू भी कमा सकता है। तो आपने जो डेढ़ घंटे में एक सिचुएशन तैयार किया था वो पूरा सिचुएशन वो स्थिति बर्बाद कर दे रहा है। तो मैं सब लोगों को बोल रहा हूँ जो लोग प्रेजेंटेशन करते हो वो काम आप खुद ही कीजिए, जूनियर को मत दीजिए। जूनियर के लिए खाली एक ही काम छोड़िए कि खुद आके उसके घर से पैसा लेके आ, बाकी काम मैं कर दूँ। प्रेजेंटेशन होने के बाद आप खुद ही क्या कह दिए बातचीत शुरू कीजिए। कैसे? प्रेजेंटेशन होने के बाद हमारे जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट दिखाना जरूरी है आप सामने वाला बंदा को वो डॉक्यूमेंट दिखेंगे। डॉक्यूमेंट क्यों दिखाना है फिर बता रहा हूँ कि जितना दिखाएंगे उसका बिलीव उतना पड़ेगा, सुनने से उतना बिलीव नहीं आता है देखने के बाद जितना बिलीव आता है। तो दिखाने के बाद क्या होगा आपको सामने वाला बंदा तो ऐसा कोई सवाल नहीं पूछना है जिसका जवाब हाँ या ना में आए, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसा सवाल पूछते प्रेजेंटेशन के बाद भाई कैसा लगा, सामने वाला बंदा अगर आपके मुंह के ऊपर बोल दिया मेरे को अच्छा नहीं लगा फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरे को ऐसा कोई सवाल ही नहीं करना है जिसका आंसर निगेटिव आए, मेरे को सवाल ही ऐसा करना है जिसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आए। तो मैं सवाल पॉजिटिव सवाल करूंगा कि भाई इतने देर से आपके साथ जो डिस्कशन हुआ एक वैल्यू इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट लेके जहाँ पे आपको आईटी एजुकेशन दिखाया गया, वर्चुअल एजुकेशन दिखाया गया, अपने हेल्थ एंड वेलनेस को लेकर बहुत सारा चीज आपको समझाया गया, फिर आपको समझाया गया यहाँ पे बहुत तरीके का इनकम, रिटेल इनकम, रिकमेंडेशन इनकम, परफॉर्मेंस, वर्चुअल इनकम, शॉपी इनकम, लिमिट इनकम, उसके बाद आपको दिखाया गया रिकॉग्निशन, फॉरेन ट्रिप, नेशनल ट्रिप, ये जो इतना सारा चीज आपको दिखाया गया उनमें से कौन सा चीज आपको सबसे ज्यादा बढ़िया लगा? तो इतना चीज सामने वाला बंदे को हमने दिखाया उसको कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा। अगर सामने वाला बंदा बोलता है नहीं भाई मेरे को कोर्स बहुत अच्छा लगा, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई मेरे को भी कोर्स अच्छा लगा था इसलिए मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन लिया था, तू कब एडमिशन ले रहा है, नेक्स्ट काम है डायरेक्टली आस्क फॉर एडमिशन। आप डायरेक्टली एडमिशन के लिए उसको पूछिए कि जब वो बोलेगा मेरे को सप्लीमेंट अच्छा लगा या तो मेरे को वर्चुअल कोर्स अच्छा लगा, जबरदस्त भाई यही चीज मेरे को भी अच्छा लगा था इसलिए मैं इस सिस्टम में आया था, अभी तू कब आ रहा है, तू कब एडमिशन आया बता। उसके बाद क्या होगा वो डिसीजन नहीं कर रहे वो आपसे पूरा वो बातचीत करेगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो एग्री होगी तुरंत आगे फॉर्म फिलअप कीजिए, डॉक्यूमेंट लीजिए, जितना पैसा हो सके निकाल लीजिए क्योंकि आज के दिन में स्मार्टफोन के जमाने में
हर एक बंदे के पास जेब में 1000-1300 रुपया रहता है हमेशा। जो बंदा बाइक चलाता है उसके जेब में भी 1000-1300 रुपया आपके दिन में रहता है। तो 1000 रुपया निकालना आपके दिन में कोई बड़ी बात नहीं, वो आप निकाल सकते हो। लेकिन कुछ केसेस ऐसा आ सकता है जो बोलेगा नहीं भाई मेरे को करना है लेकिन मेरे को पिताजी से बात करना पड़ेगा क्योंकि पैसा पिताजी देगी। कुछ लोग आपके बातों से एग्री हो जाएंगे, उनको तुरंत फॉर्म फिल अप कराना होता है, कुछ पैसा उनसे निकाल देना है। कुछ लोग क्या बोलेंगे कि नहीं मेरे को पिताजी से बात करना पड़ेगा, घर वालों से बात करना पड़ेगा, अगर वो लोग बोलेंगे तो मैं करूंगा। तो वहाँ पे आपको समझ लेना जरूरी है कि वो अपने पिताजी के ऊपर या अपने बड़े भाई के ऊपर या अपने किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो एक चीज याद रखिए कि जब भी आप इस तरीके की बात करेंगे सामने वाला बंदा को कोई चॉइस मत दीजिए, उसको ऑप्शन दीजिए। ठीक है मेरे पिताजी से बात करना पड़ेगा, पर आप बोले पिताजी से बात करना पड़ेगा क्योंकि पैसा तो बहुत है। उसके बाद क्या कीजिए, आप पूरा उसको टेक फिर कि देख भाई ये मेरा लिस्ट बिल्डिंग है, मैंने यहाँ पे 500 लोगों का नाम लिखा था और एक जगह पे तेरा भी नाम है, राइट। अभी तेरे को क्या लगता है, तू अगर इस प्रोजेक्ट में आता भी नहीं है तो मेरा कुछ फर्क पड़ने वाला है? मैंने 500 लोगों का नाम लिखा है, अगर इस जबरदस्त प्रोजेक्ट में 500 लोगों को दिखाऊंगा तो तुझे क्या लगता है इन 500 में से कितना लोग इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ काम करने आएंगे? वो बोलेगा खराब हुआ तो भी 100 लोग आएंगे। तो भाई समझ ले, आज अगर ये 100 लोग या इस 500 में से 100 लोग भी मेरे साथ आ जाते हैं तो 100 लोगों का टाइम, 100 लोगों का टैलेंट, 100 लोगों का एफोर्ट मेरे जिंदगी में होगा और ये 100 लोगों का टाइम टैलेंट एफोर्ट इस्तेमाल करके मैं भी आने वाला दिन एक जबरदस्त विकास को अचीव कर सकता हूँ। लेकिन आज मैंने ये प्रोजेक्ट सबसे पहले तेरे को दिखाया था क्योंकि तू मेरा एक अच्छा दोस्त है, मैं तेरे को अच्छा दोस्त मानता हूँ। तू मानता है कि नहीं मेरे को नहीं पता, मेरे को लगा था तू भी बता रहा है कि 100 लोग इस प्रोजेक्ट में आएंगे। जरा सोच के देख, आज अगर तू आ जाता है तो ये बाकी 100 लोग तेरे अंडर में आएंगे या 100 लोगों का टाइम टैलेंट वो तू भी इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन अगर तू लेट करेगा तो ये 100 लोग एडमिशन लेने के बाद तेरे को एडमिशन होगा और ये 100 लोग तेरा टाइम टैलेंट वो इस्तेमाल करेंगे। अभी तू सोच ले भाई क्या करना है, 100 लोगों का टाइम टैलेंट तेरे को इस्तेमाल करना है या 100 लोग तेरा टाइम टैलेंट एफोर्ट इस्तेमाल करें वो तू चाहता है? सामने वाला बंदा ओबीएससी क्या बोलेगा, नहीं भाई मेरे को 100 लोगों का टाइम टैलेंट अपोर्ट इस्तेमाल करना है। तो भाई अगर ये चाहता है तो तेरे को फॉर्म फिलअप करना है और जल्दी से तेरे को सिलेक्ट करना है। किसमें जाना चाहता है, एजुकेशन में, सप्लीमेंट में, किसमें जाना चाहता है, ऑप्शन देना है। अगर आप पूछेंगे क्या लेके एडमिशन लेना चाहता है तो बोलेगा मैं सोच के बताऊंगा, और जिंदगी भर सोचता रहेगा आपको तो कभी बताएगा नहीं। तो आपको ऑप्शन देना है, तेरे को क्या लेना है, एजुकेशन या सप्लीमेंट? अगर बोलता है मेरे को सप्लीमेंट तो कितने मार्क्स का लेना है, 100 मार्क्स का, 70 मार्क्स का या 50 का? आपको हमेशा उसको ऑप्शन देना है। बोल रहे हैं नहीं भाई मेरे को करना ही मेरे को, लेकिन पिताजी से बात करना ही पड़ेगा। तब आपको जाके क्या करना है, आपको एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना है होम डिफेक्ट के लिए। कैसे, अगर आप पूछेंगे कि भैया से हम तुम्हारे घर जाएंगे, तुम्हारे पापा जी कब घर में रहते, तो बोले पापा जी 8 बजे ऑफिस चले जाते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, फिर घर चले जाते हैं, फिर शाम को उनका एक क्लास है उधर से ज्वाइन करते हैं, तो आते आते रात को 11 बज जाता है, फिर दूसरे दिन सुबह उठ के निकल जाएंगे, मेरे पापा तो 5 दिन के लिए गांव से बाहर गए, जैसे हजारों बहाने आपको मारेगा, राइट। क्योंकि आपने उसको चॉइस दिया कि तुम्हारे पिताजी कब घर में मिलेंगे। ऐसा ना करके हम इस बात को हम पूरा अलग तरीके से बोलते हैं कि भैया तुम्हारे पिताजी से तुम्हारे को बात करना है, लेकिन तुम्हारे पिताजी कब घर में मिलेंगे, सुबह शाम दोपहर या रात, कौन सा टाइम अवेलेबल है, सुबह को शाम को दोपहर को या रात को? अभी हमने उसको ऑप्शन दिया, उसको चॉइस करना ही है। ए बी सी डी में से कोई एक अगर उसने बोला नहीं मेरे पिताजी सुबह घर में रहते, अच्छा सुबह कितने बजे मिलेंगे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे? नहीं नहीं पिताजी तो 10 बजे ऑफिस निकल जाते, अच्छा 10 बजे में ऑफिस निकल जाते तो 9 बजे से उनका रहना खाना पीना स्टार्ट होता है, तो भाई 7:30 बजे जाने से तुम्हारे पिताजी अवेलेबल हो जाएंगे, हाँ मिल जाएंगे पिताजी घर में। तो भाई एक काम करना, आज घर में जाके बात करके रखना पिताजी से कि पिताजी मैंने एक जबरदस्त प्रोजेक्ट देख के आया और कल मेरे एक दोस्त और उनके एक बड़े भाई हमारे घर में आएंगे, इस प्रोजेक्ट को लेकर आपसे पूरा बातचीत कर रहा है, तो पिताजी आपको कल इस टाइम के घर में रहना है और मैं भी रहूंगा, पिताजी मेरे को ये जबरदस्त प्रोजेक्ट मेरे को करना है लेकिन आपको थोड़ा समझना है। तो आपने एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया, अभी अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया आपका, अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाने के बाद क्या करना है आपको, अभी होम फीडबैक में जाना है। आज नेक्स्ट डे का अगर मॉर्निंग का आपने अपॉइंटमेंट फिक्स किया तो होम फीडबैक जाने से पहले आपको उनका ध्यान बहुत रखना है। क्या चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मल में जाना है, आपको ड्रेस कोड मेंटेन करना है, ऐसा ना हो जीन्स लगा के टी शर्ट लगा के आप चले गए। आज के दिन में बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा देख रहा हूँ कि फीडबैक करने जा रहा है मुंह में इतना पान घुसा के, फीडबैक करने जा रहा है मुंह में गुटखा लेके। तो आप जब गुटखा लेके किसी पेरेंट से बात करने जा रहे हो, आपको देख के वो पेरेंट क्या कर रहा है, डिसीजन ले रहा है कि इसके बाद मेरे बच्चे को नहीं देना है। क्योंकि हम जब पर्सनल इंटरेक्ट करेंगे, एटीट्यूड का बात करेंगे, और आप यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो, गुटखा चबा रहे हो।
तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपको फॉर्म बना दिए रिटर्न कम्प्लीट करके 3 रुपए के दिन बाहर आके दुकान से खाइए, राइट, तो ये गलती करना नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को आपके दिन में देखा है, मुझे ये सब लेके जाते फीडबैक, यहाँ तो मुझे चिंगम लेके जाते चिंगम चबा चबा के लोगों से बात करते, ये बहुत गलत एटीट्यूड है, राइट, तो ये गलती नहीं कर रहा है। और बी पंक्चुअल, बार बार बता रहा हूँ आपको टाइमली जाना है। अगर आपने किसी को 7:30 का टाइम दिया है तो कोशिश कीजिए 7:25 में आपको वहाँ पे पहुँचना है, जाके उनके डोर में नोट करना है और आपको पूरा टाइमली, ठीक है, आपको अपना पंक्चुअलिटी प्रोफेशनलिटी मेंटेन करना है, राइट। अगर आप लेट हो गए किसी कारण तो क्या होता है, अगर आप किसी कारण लेट हो गए, मान लीजिए आधा घंटा भी लेट हो गए, वहाँ पे जाने के बाद पिताजी नहीं मिलेंगे तो वो क्या बोलेगा, यार पिताजी आधा घंटा आपके लिए इंतजार किया, अभी पिताजी निकल गए, आपका फीडबैक नहीं होगा, आप इतना कष्ट करके इतना दूर जाओगे तो भी आप अपना फीडबैक कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो क्या होगा, आप जाके मम्मी से बात करोगे, फिर पैसा पिताजी देने वाले, वो जो मेन बोलते हैं ना मनी टू स्पेंड, पिताजी पैसा स्पेंड करेंगे तो बातचीत फिर होगा। घर में जब फीडबैक पे जाएंगे कुछ चीज सुनिश्चित कर लीजिएगा, किसी के घर में जाके फीडबैक करने से पहले उसके बारे में, फैमिली के बारे में तो अच्छे से सुन लीजिएगा, उसके परिवार में कौन कौन है, पिताजी क्या करते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है उनका घर में, राइट, घर में और कौन कौन पढ़ाई कर रहा है, क्या पढ़ाई कर रहा है। आप जितना ज्यादा उसको उसके परिवार के बारे में जानोगे उतना ही जबरदस्त फीडबैक आप वहाँ पे जाके कर पाओगे, ठीक है। अगर आपके पास उस परिवार के बारे में या प्रोस्पेक्ट के बारे में खास नॉलेज नहीं होगा तो जाके क्या करना पड़ेगा, आपको हवा हवा में बात करना पड़ेगा और आपके बातचीत संस्था का दिल पे टच नहीं करेगा। तो जितना हो सके आप प्रोस्पेक्ट के बारे में क्या कीजिए, जानकारी लीजिए कि पिताजी क्या करते हैं, भैया क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, घर में सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कौन कौन कमाता है, घर का रिक्वायरमेंट क्या है, सब कुछ आप जानिए, घर में कोई बीमार है कि नहीं, सब कुछ जानिए। क्योंकि जितना ज्यादा जानकारी आप ले जाएंगे वो आप उतना ही ज्यादा कम्फर्टेबली आप फीडबैक को कर पाएंगे। तो ये बेसिक 3-4 चीजें आपको मेंटेन करना है और फीडबैक में जब जाएंगे आप लोग घर में किसी का, तो एक थ्योरी है मैन, MAN, मैन मतलब M for money to spend, पैसा जो खर्च करेंगे उनसे ही बातचीत कीजिए। ऐसा ना हो पैसा पिताजी देंगे, आप डिस्कशन कर रहे हो मम्मी के साथ, फायदा नहीं होगा, मम्मी सब कुछ समझने का बोलेंगे, नहीं बेटा सब समझा, लेकिन उसके पिताजी से बात करना पड़ेगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको डिसाइड कर लीजिए कि उनके लिए पैसा कौन स्पेंड करेगा, पिताजी करेंगे, बड़े भाई करेंगे या मम्मी, जो बंदा उनके लिए पैसा स्पेंड करेंगे आप डायरेक्टली उनसे जाके बात कीजिए। नंबर नेक्स्ट अथॉरिटी टू टेक डिसीजन, अगर उसका डिसीजन उसका मम्मी लेते हैं तो मम्मी से बात कीजिए, एंड उसका नीड, सामने वाला का नीड को लेके बात कीजिए। अगर वो बंदे का नीड एजुकेशन है तो आप एजुकेशन को लेके बातचीत कीजिए, और घर में अगर कुछ बीमार है तो वहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, थोड़ा को लेके भी बातचीत कर सकते हैं। इतना बहुत से कम से हमारे साथ हुआ है, हम एजुकेशन का फीडबैक करने गए थे, उधर से थोड़ा बहुत बीमारी लेके बात किया, एजुकेशन का सेल तो आया ही आया, साथ में 25 मार्क का प्रोडक्ट का भी सेल आया, तो बातचीत करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं किसी के घर में जाके पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर बात करते हैं, नहीं थोड़ा बहुत सब्जेक्ट को लेकर आपको बात करना है। फिर सामने वाला का नीड अगर आपको समझ में आ गया कि नहीं भाई इनको सप्लीमेंट ही चाहिए तो सप्लीमेंट लेके बात करना है, राइट। तो क्या आता है सामने वाला का नीड को, ये जो मेन मनी टू स्पेंड अथॉरिटी टेक डिसीजन एंड नीड, सामने वाला का नीड को लेके मेरे को बात करना है। तो ये सब बातें हम क्या करेंगे किसी के घर में घुसने के बाद। अभी क्या है, मैं फाइनली किसी के घर में गया, मान लीजिए 7:30 का टाइम दिया, मैं 7:30 को वहां पे पहुंच गया, फिर वहां पे जाके एक जूनियर एसोसिएट का क्या काम है वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि फीडबैक में सारा मतलब अपना जो सीनियर लोग फीडबैक में जाते हैं वो लोग अपना 99% अवॉर्ड देते हैं, लेकिन 1% काम रह जाता है जूनियर लोगों के लिए, और वो जूनियर लोग 1% काम को भी अच्छी तरीके से नहीं करते, वो लोग सीनियर के ऊपर हाथ पैर छोड़ के पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। मेरे भी जितने जूनियर भाई बहन यहाँ पे आपके दिन में इस प्रोग्राम को सुन रहे, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अब पूरा ध्यान से सुनिए, जरूरत पड़े तो लिख के रखिए कि एक फीडबैक में जाने के बाद किसी के घर में आपका क्या काम है, वहाँ पे आपका रोल क्या है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। फीडबैक में जब आप जाएंगे किसी के घर में आपके सीनियर को लेके, भैया को लेके, दादा को लेके, सर को लेके, आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उधर पे जाके आपको ग्रीटिंग्स हुए जाएंगे तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम में जा रहे हैं आप ग्रीटिंग्स दीजिए, और सामने वाला बंदे को पूरा क्या क्या उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, और उनका थोड़ा प्रशंसा कीजिए। जैसे कि मान लीजिए उनका घर का पेंटिंग बहुत अच्छा है तो बोलिए अंकल जी आपका घर का पेंटिंग बहुत जबरदस्त है, ऐसा बातचीत मतलब उनको प्रशंसित करना है और तस्वीर करना है। मान लीजिए अंकल एक बहुत जबरदस्त शॉट लगा के बैठे, मतलब अंकल का ये बुजुर्ग लेकिन उम्र इतना लग नहीं रहा है, हेल्थ इतना बढ़िया है,
उनको थोड़ा बोलिए कि अंकल आपको देख के सुन नहीं रहा है ऐसा ऐसा, तब जितना उनको मतलब ऐसा बोलेंगे तो उनको क्या होगा, वो खुशी होगा, महसूस होगा, क्योंकि आज के दिन में लोग एक चीज का भूखा है, बड़े तारीफ, कोई किसी का तारीफ नहीं करता है, तो आपको जाके उनके घर में तारीफ करना है, ग्रीटिंग्स के बाद आपको पूरा तारीफ करना है, चाहे उनके घर के कलर के बारे में हो, एक अच्छा सा भूखे मतलब क्या बोलते हैं जो फ्लावर बस भूखे हो रहा है उसके बारे में, मान लीजिए कोई खुद से हाथ से कोई पेंटिंग बनाया, जो भी आपको मतलब, अभी ऐसा मत कीजिए किसी के घर में गए, घर का हालात उतना अच्छा नहीं, आप बोले वाह आपका घर कितना बढ़िया है, तो लोग उसको इंसल्ट फील करेगा, जो सही है उसको बताइए। कुछ लोग क्या करता है, रट्टा मार के जाता है, घर खराब है, कपड़ा इधर उधर फेंका हो गया, बोलते क्या बोलता है जाके आपका घर बहुत अच्छा सुंदर रहे, तो ये सुन के सामने वाला इंसल्ट फील करता है, तो ऐसा नहीं करना है, जो सही है उनके करना है। जैसे कि मान लीजिए तो क्या होता है, आप जब किसी का तारीफ करोगे तो इंसान बहुत खुश हो जाता है, तब क्या होगा तारीफ करने के बाद उसके बाद आप जो बातचीत करेंगे सामने वाला बहुत मन लगा कि आपका बात सुनेगा, क्योंकि आपने उनका तारीफ किया है। ये काम करना बहुत जरूरी है, ये काम जूनियर को करना है जो फीडबैक लेके जा रहा है किसी सीनियर को करने, तो उधर पे जाके ग्रीटिंग देना है और उनको थोड़ा प्रशंसित करना है। नेक्स्ट आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, आप जिनके घर में ले जा रहे हो गरीबी से आपको जानते हैं दोस्त के घर में, फिर भी आप अपना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देना। उसके बाद जो काम है अपना जो सीनियर सर को ले जा रहे हैं उनको थोड़ा आइडेंटिफाई करना है, इस जगह पे बहुत प्रॉब्लम है। क्या होता है कि जाके जूनियर भी चुप मुंह में सेलोटेप लगा के बैठा हुआ है, जूनियर सीनियर भी चुपचाप बैठा हुआ है, सामने वाले का प्रोस्पेक्ट का पिताजी आके बोलते हाँ भाई बोलिए क्या काम है, नहीं अंकल ऐसा ऐसा है, ये कौन है वो कौन है, वो गार्जियन पूछ रहा है ये कौन है वो कौन है, नहीं भाई ऐसा नहीं होना है, आपको इंट्रोडक्शन देना है कि आपने जिस बंदक को साथ में लेके गए उस बंदक का जिंदगी का एक एक सेकंड बहुत कीमती है, वो आपके साथ अगर एक घंटा लेके गया है तो उसका एक घंटे का अहमियत है, तो आपको क्या करना है उनका आइडेंटिफाई क्या करना है, खुद का इंट्रोडक्शन देना है, तेरे के पास सीनियर को अच्छे से आइडेंटिफाई करना है कि अंकल जी मेरा नाम ये है, मैं उनका लड़का हूँ, मेरा घर यहाँ पे इस तरफ में पढ़ाई लिखाई करता हूँ, वो मेरा अच्छा दोस्त है, मैंने कल उसको एक जबरदस्त प्रोजेक्ट दिखाया था उसके सिलसिले में आपसे बातचीत करने आया हूँ, और अंकल ये मेरे कभी मत बोलिए सर, सर बोलने से दिक्कत आता है, बोलिए हमारे दादा है, हमारे बड़े भाई है, हमारा गाइड है, हमारे कोच है, जो इस प्रोजेक्ट में मेरे को गाइड करते हैं, इस प्रोजेक्ट में हमारे को गाइड करते सिखाते हैं कैसे इस काम को करना है, इनके पास टाइम बहुत ही कम है, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके उनको मेरे साथ लेके आया, क्योंकि आपका लड़का मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं नहीं चाहता हूँ उसकी जिंदगी से इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, तो मैं दादा को बहुत रिक्वेस्ट करके मेरे साथ लाया, तो अंकल क्या होता है कि मैं आज के दिन में नया हूँ, मैं सीख रहा हूँ, तो इसलिए मैं दादा को रिक्वेस्ट करके लाया, क्योंकि आपको जब इसके बारे में बताना हो, अगर मैं खुद आके बताता तो शायद अंकल मैं आपको 100% इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, इसलिए मैं दादा को साथ में लेके आया हूँ, दादा के पास इतना एक्सपीरियंस है वो आपको 100% शेयर कर सकते, तो सामने वाला बंदा क्या होगा उसके मतलब आपके दोस्त के जो पिताजी है वो आप जिनको संग में लेके गए उनको उतना लाइटली नहीं लेगा, उनकी बातचीत जब वो बोले आपको बोले हो ना एक इंसान के पास टाइम नहीं है, वो गाइड है, फिलोसोफर है, तो सामने वाला बंदा जिनको आप साथ में लेके गए सीनियर सर को तो क्या करेंगे उनको उस तरह के इससे ऐसा होता है इंसान बातचीत करने के राजी नहीं होता है, उस तरह का नहीं होता है, उसके बाद क्या करना है आपको थोड़ा बहुत बातचीत स्टार्ट करना है प्रोजेक्ट को लेकर। अभी इस जगह पे क्या देखा जाता है जूनियर लोग कंपनी में पूरा तू कुछ बात नहीं कर रहा है, कुछ कुछ जगह पे जूनियर लोग क्या करता है सीनियर को इतना बताया कल से बात करूंगा आज कुछ लोग तो ऐसा करता है तो ये करना नहीं है भाई, आपको कॉन्फिडेंटली थोड़ा बात ही करना है, क्या करना है प्रोजेक्ट को लेकर आपके दोस्त के साथ बातचीत करना है, उसको सामने बिठाना है कि भाई कल जो हमने प्रोजेक्ट तुम्हारे को शेयर किया एक जबरदस्त प्रोजेक्ट था जहाँ पे हमने एजुकेशन को लेकर बात किया सप्लीमेंट को लेकर बात किया और आज के दिन में किस तरीके से बेहतरीन इनकम हम कर सकते हैं उसको लेकर बात किया। उसके बाद आपको क्या करना है आपके दोस्त को दो चार सवाल पूछना है इस प्रोजेक्ट के बारे में, जब आप सवाल पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना प्रोजेक्ट उसको समझ में आया और कितना नहीं। जैसे कि आप स्मार्ट कॉमर्स को लेकर कुछ सवाल पूछ सकते हैं, आप अपने हमारे प्रोडक्ट को लेकर कुछ सवाल, आप नॉनी के ऊपर दो चार सवाल पूछ सकते हैं, आप प्रोटीन को लेकर सवाल पूछ सकते हैं, 3D कास्ट को लेकर सवाल पूछ सकते हैं, या आप इनकम को लेकर दो चार सवाल कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देके बोल रहा हूँ अगर आप एक बंदे को 5 क्वेश्चन करेंगे वो 3 का भी 2 का भी अच्छे से जवाब नहीं दे पाएगा, इसका गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि एक इंसान जब प्रेजेंटेशन सुन के जाता है सुनने के बाद ही बाहर जाके दोस्तों के साथ मिलता है, बाहर जाके उसको खेलता है कूदता है पार्टी करता है फेसबुक करता है व्हाट्सएप करता है वो भूल जाता है, उसके दिमाग में एक ही चीज रहता है पैसा देना है कोर्ट पाना है दो बंदे को लाना है और मार्का बनाना है बाकी सब भूल जाता है।
आप जब क्वेश्चन करेंगे वो जवाब नहीं दे पाएगा, तो बहुत चालाकी से स्मार्टनेस से आपको क्या करना है, सीनियर को समझा देना है सब कुछ। दादा ये मेरा दोस्त का प्रोजेक्ट देखा था पूरा अच्छा, लेकिन शायद वो भूल गया सब कुछ, इसको याद नहीं रहा होगा, इसलिए बोल नहीं पा रहा है। दादा अगर आपको बुरा ना आप अगर मतलब दादा मतलब माइंड ना करो तो काइंडली ये कल का जो प्रोजेक्ट हमने शेयर किया था वो प्रोजेक्ट 10-15 मिनट में उनके साथ पूरा शेयर कर देंगे, तो अंकल जी को भी समझ में आ जाएगा और मेरे दोस्त को भी सब कुछ क्लियर आ जाएगा। दादा काइंडली प्लीज आप क्या किया, मैंने बहुत स्मार्टली पूरा सिचुएशन दे दिया किसके पास, सीनियर के पास। अभी सीनियर अपने हिसाब से उसको हैंडल करेंगे, सीनियर क्या करेंगे वो लोग, जैसे मैं करता हूँ कि अगर मेरा जूनियर मेरे पास ऐसे दे देता है तो मेरा काम रहता है, मैं पहले एक शॉर्ट एसटीपी करता हूँ, मैं थोड़ा बहुत सब कुछ दिखाता हूँ, एजुकेशन को पूरा दिखाता हूँ, प्रोडक्ट को पूरा दिखाता हूँ, फिर अपना सप्लीमेंट को लेकर थोड़ा बहुत बातचीत होता है, नेक्स्ट हम अपने इनकम को अच्छे से दिखाते हैं। दिखाने के बाद क्या होता है, जब ये इनकम इनकम हम दिखा लेते तब सामने वाला क्या करता है, पूरा प्रोजेक्ट देखने के बाद क्वेश्चन आता है उनका, ये तो चेन बिजनेस है, ये तो नेटवर्क बिजनेस है, ये है तो वो है, राइट, हमारे पास पैसा नहीं है, समय नहीं है, अगर आप बहुत सारा क्वेश्चन उनका आता है, बहुत सारा चैलेंजेस उनके आते हैं, अभी हमारे को क्या करना है, उनका चैलेंजेस को ओवरकम करना है, राइट। तो चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए क्या क्या रखना है, तो सब कुछ दिखाने के बाद वो लोग क्वेश्चन तब करेंगे, सब कुछ दिखाने के बाद जब आप बोलोगे अंकल ये पूरा प्रोजेक्ट, तो बोलिए आप अभी क्या लेना चाहेंगे, एजुकेशन या सप्लीमेंट, तब जाके सामने वाला बंदा बोलेगा नहीं हमारे पास करना है लेकिन ये हमारे पास अभी पैसा नहीं है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम, पैसा नहीं तो हमारे पास टाइम नहीं है, मेरा लड़का ये सब नहीं कर पाएगा, ये तो चेन बिजनेस है, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, इससे बहुत सारा सवाल तब आएगा जब आप उनको एजुकेशन के लिए बोलोगे, तो सवाल जब आएगा तब आपको क्या करना है, एक चीज दिमाग में घुसा दी, जितना लोग बोल रहे हैं आपके मतलब जितना लोग आपको बोल रहे हैं उनके पास पैसा नहीं है, 100 में से 99% लोग झूठ बोल रहे हैं। आप किसके घर में पैसा नहीं है, किसके घर में पैसा है, आप किसी के घर में घुस भी समझ सकते हो, आप किसी के घर में घुसने के बाद आपको अच्छा सा फ्रूट काट के दे रहा है, चाय दे रहा है, बिस्किट दे रहा है, स्नैक्स दे रहा है, भाई उनके घर में पैसा है, वो झूठ बोल रहा है उसके पास पैसा नहीं है शायद। तो ये जो बात हो रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमारे को समझ रहा है कि सामने वाले की पैसे की दिक्कत नहीं, तो सुरजीत ने एक ट्रेनिंग में बहुत चीज अच्छा चीज बताया, उसको हम फॉलो करते हैं कि CFQ MSC सी मतलब कंफर्मेशन, कि सामने वाला बंदा जो क्वेश्चन कर रहा है हमारे को उसको कंफर्म करना है कि बाकी उनका ये मतलब बाकी उनका ये चैलेंजेस है, दिक्कत है या और कुछ, मतलब जो भी कोई भी आपको मतलब कभी क्वेश्चन करता है, चैलेंजेस दिखाता है, तो समझ लीजिए ना वो नारियल की तरह है, अगर आपको नारियल को खाना है तो ऊपर से छिलका निकालना है, तो सामने वाला बंदा जो प्रॉब्लम आपको दिखा रहा है वो प्रॉब्लम छिलके है, एक्चुअली ओरिजिनल प्रॉब्लम नारियल है जो अंदर छुपा हुआ है, आपको छिलके निकाल के ओरिजिनल प्रॉब्लम को बाहर लाना है, उसको बोलते हैं कन्फर्मेशन, आपको पूरा बातचीत करना है कि अंकल ऐसा क्यों लग रहा है कि इतना जबरदस्त कोर्स जिसको मार्केट में करने के लिए इतना पैसा लगता है, जो कोर्स करके आपके बंदे की आपके लड़के की जिंदगी में ये चीज आ सकता है, इसको करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, इसे जब आप सवाल करना स्टार्ट करेंगे तो सामने वाला बंदा का ओरिजिनल जो मतलब उनका समस्या है वो बाहर आएगा। अगर कोई बोलता है टाइम नहीं, फिर भी आप ऐसे ही बोल सकते हैं, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है, कोई बोलता है अगर ये चेन बिजनेस है, ठीक है थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं ये चेन बिजनेस है, तो आप लोग मतलब आप लोग को पता है ये सब कैसे सोल्व करना है, तो शॉर्ट एसटीपी करना है, फिर कन्फर्मेशन लेना है, फिर साउंड थ्योरी इस्तेमाल करना है, फिर उनको थोड़ा मोटिवेट करना है, फिर एक्शन में जाना है और फिर क्लोजिंग करना है। फीडबैक में एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि ऑलवेज बी क्लोजिंग, मेरे को क्लोज करना है। बहुत सारे लोग आपको ऐसा बोलते हैं, सब कुछ बात होने के बाद भी बोलते हैं हम सोच के बताएंगे, वो जिंदगी भर सोचता रहेगा और आपको बताएगा नहीं, तो इस सिचुएशन में उठ के मत आइए। हमारा तो एक ही मोटो है, किसी के घर में घुस गए तो भाई कुछ लेके ही निकलेंगे, चाहे 3 घंटा ही क्यों बैठना पड़े, क्लोज करके निकलेंगे, हम खाली हाथ नहीं आते, हम जिसके घर में भी जाते कुछ ना कुछ लेके आते, मैं अपना मतलब बाकी उसके बाद आपको क्लोजिंग करना है। फिर क्या है, जब भी आप फीडबैक को लेकर बातचीत करेंगे, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि फीडबैक में हमेशा लॉजिक और इमोशन दोनों चीजों को एक साथ मिला के आपको बात करना है, फीडबैक में आपको लॉजिक एंड इमोशन ये दोनों चीजों को एक साथ मिला के बात करना है। क्यों बात करना है, क्योंकि कहावत है लॉजिक ओपन्स द माइंड एंड इमोशन ओपन्स द चेकबुक। आप जब एक इंसान को लोज समझाते हैं हमारे प्रोजेक्ट की इनकम पार्ट के बारे में, तो क्या होता है उनका दिमाग खुलता है,
लेकिन पैसा नहीं आता है। जब आप इमोशन देंगे तभी पैसा जेब से बाहर आएगा, राइट। तो आपको इमोशन समझना है कि इमोशन कब देना है। कुछ लोग क्या करते हैं, फीडबैक में जाके न्यूज रीडर की तरह खाली बात ही करते रहते हैं। जैसे न्यूज रीडर होता है, आपका मौसम ऐसा है, तापमान ऐसा है, उसको समझ में नहीं आता है कि मैं मतलब कब क्लोज करूं। सामने वाला अंदर से बातचीत करने के बाद वो बोल रहा है कि हम कोर्स कर लेंगे, तो फिर भी वो समझा रहा है, ऐसा नहीं करना है। सामने वाला बंदा अगर बोल रहा है हाँ हम सप्लीमेंट ले लेंगे, तुरंत ही बातचीत बंद करना है, फॉर्म निकालना है, फॉर्म फिलअप कराना है, पैसा निकालना है। आपको समझना पड़ेगा कि बात करना है, कब करना, किस जगह पे जाके मेरे को करना है। सामने वाला बंदा राजी हो रहा है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ऐसा करते हुए कि सामने वाला बंदा कोर्स देखने के बाद ही राजी हो रहा है एडमिशन लेने के लिए, फिर भी वो बोल रहा है अंकल हमारे यहाँ पे हेल्प भी है, अंकल हमारे यहाँ पे इनकम भी है। तो ज्यादा दिखाने के चक्कर में क्या होता है, एडमिशन खराब हो जाता है। तो ऐसा कुछ देख लेता है सामने वाला बंदा, बोलता है ऐसा है तो नहीं कर रहा हूँ। तो जहाँ पे जाके सामने वाला बंदा आपको बोल रहा है जबरदस्त हम इसको करेंगे, बस वही पे बातचीत खत्म, फॉर्म निकालो, ज्वाइन कराओ, फॉर्म फिलअप कराओ, पैसा निकालो। तो कहाँ पे मेरे को बातचीत बंद करना है वो समझना बहुत जरूरी है। तो न्यूज एजेंट की तरह फीडबैक में जाके बात नहीं करना है, राइट। अभी देखिए यहाँ पे जितने लोग फीडबैक करते हैं सुना बहुत, तो ये सब तो आपके सीनियर लोग आपको सिखा दे कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, ये सब लेके मैं बात नहीं कर रहा हूँ। पर एक चीज बता रहा हूँ कि आपको ऑलवेज बी क्लोज, ये बात आपके दिमाग में रखनी है, राइट। तो फीडबैक में सब चीजें करते जाते ये चीज समझना बहुत जरूरी है। फीडबैक दो चीज का होता है, एक होता है एजुकेशन का फीडबैक और दूसरा होता है बिजनेस का फीडबैक। प्रोडक्ट का कोई फीडबैक नहीं होता है, कोई बंदा प्रोडक्ट खाने के लिए इधर पे एडमिशन नहीं लेता है। जो लोग प्रोडक्ट लेके ज्वाइन करेगा वो 100% इस बिजनेस को करने के लिए आएगा, और जो लोग एजुकेशन देख के ज्वाइन करेगा वो 100% क्लास में जाएगा पढ़ाई करने के लिए, राइट। अगर 100 लोगों को आप एजुकेशन में ज्वाइन कराएंगे तो 100 लोग की क्लास स्टार्ट करेगा, लेकिन जो बंदा प्रोडक्ट लेके ज्वाइन करेगा वो दूसरा दिन आके आपको बोलेगा पैसा कमाना है, मेरे को प्रोडक्ट कैसे सेल करना है वो बताइए। आई आप एजुकेशन का फीडबैक करेंगे या तो बिजनेस का फीडबैक करेंगे। लेकिन आज के दिन में क्या हो गया, लोग सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं। सोफिस्टिकेटेड बोले तो देखिए भाई, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं नेटवर्क बिजनेस। नेटवर्क बिजनेस में लोग आपके पास चल के नहीं आएंगे, आपको जाना पड़ेगा, ये दिमाग में घुसा दीजिए। बहुत सारा लोग क्या करता है, प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद ऑफिस में बैठा रहता है कि उनका प्रोस्पेक्ट खुद चल के उनके पास आएगा, पैसा लेके आके बोलेगा भैया मेरे को एडमिशन करना है, ये लोग पैसा फॉर्म दो। आपको जाना है भाई नेटवर्क बिजनेस में, आपको घर घर में घुस के फीडबैक करना पड़ेगा, इस ऑफिस कल्चर को छोड़ना पड़ेगा। नेटवर्क बिजनेस ऑफिस में बैठ के नहीं होता है। अब जब तक घर घर में घुस के फीडबैक नहीं करोगे, आप में वो रफ एंड टफ एटीट्यूड कभी नहीं आएगा, वो रफ एंड टफ एटीट्यूड कभी नहीं आएगा। हाल ही में एक घटना हुआ है हमारे साथ, हमारा एक टीम हुआ था एक जगह पे, 100 से 150 लोगों का टीम बन गया देखते ही देखते। तो उधर पे जो सीनियर काम कर रहा था उसने क्या किया, हम लोगों को कभी ये सब बताया ही नहीं, वो ऑफिस में बैठ के लोगों को सिलेक्ट करता था फोन करके, भैया आपका सिलेक्शन हुआ है SDLN में, कल आके आपको पैसा जमा कराना है। तो उसने टीम तो बना लिया, एसी पर भी बना लिया, लेकिन जब बात आई मार्केट में जाके फीडबैक करने का, एक बंदा भी नहीं कर पाया, सब बिजनेस छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि लोग ऑफिस में बैठ के सोफिस्टिकेशन से क्या करता है, लोगों का सिलेक्शन करता है। ये सिलेक्शन करने का काम नहीं है भाई, घर में घुस घुस के लोगों के घर से पैसा निकालने का काम। तो ये ऑफिस कल्चर को थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, घर घर में नेटवर्क बिजनेस से घर में जाना है। और जब तक आप घर में जाके बातचीत नहीं करोगे, आपके अंदर से वो डर कभी नहीं निकलेगा कि मैं भी जाके 10 लोगों से बात कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग डर के मारे फीडबैक में नहीं जाता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था शुरुआत में, बहुत डर लगता था, लेकिन 2-4-5 लोगों से बात करने के बाद वो डर गायब हो गया। मैं अपने बारे में एक चीज बताता हूँ, वो मेरे शुरुआत के दिन का घटना है। मैं जब इस बिजनेस में एडमिशन लिया था उससे 2 महीना बाद मेरे को मेरे सीनियर ने फीडबैक में भेज दिया अकेला, और जिस बंदे को मैं फीडबैक करने गया वो बंदा HDFC बैंक में जॉब करता था, उस जमाने में 12,000 रुपये का तनख्वाह था, और मैं उस जमाने में स्टूडेंट, मेरा वॉलेट में सिर्फ 2 रुपया भरा हुआ था, तो 2 रुपये का नोट मिलता था मार्केट में उस जमाने में। मैं 2 रुपया वॉलेट में लेके पैदल चल के उनका घर गया फीडबैक करने। तो बहुत सी बातचीत क्या करने के बाद बंदा बोल रहा है पैसा नहीं। तो मैंने क्या किया, अपना मनी बैग जो वॉलेट है उसको सामने रख दिया, रख के बोला सर आप इतना साल से नौकरी कर रहे और मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ 2 महीने से, अगर आज आप धोखा दे रहे हो। मैंने यहाँ पे क्या किया, इमोशन क्रिएट किया कि आपको नहीं लग रहा है आप अपने पिताजी मम्मी को धोखा दे रहे हो, तो उस बंदे ने ज्वाइन किया। तो शुरुआत के दिन से ऐसा बहुत सारा घटना मेरे साथ होते आ रहा है कि फीडबैक में मैं कभी ऑफिस में बैठ के फीडबैक नहीं करता हूँ। आज के दिन में 10-11 साल बिजनेस करने के बावजूद भी मैं हर रोज 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर बाइक ले
जाता हूँ जाके फीडबैक करता हूँ। एक एक फीडबैक करने के लिए मैं 90 किलोमीटर ट्रेवल करता हूँ। दो दिन पहले मैं 90 किलोमीटर गया था सिंगल फीडबैक करने के लिए। सुबह उठ के बाइक लेके 90 किलोमीटर ट्रेवल किया, क्योंकि मेरे को पता है वो सिर्फ एक फीडबैक नहीं है, वो मेरे लिए फीडबैक हो सकता है, लेकिन जो बंदा ने इन्वाइट किया था उसका जिंदगी का पहला इन्वाइट था। अगर वो डीजी उठा के नहीं दूंगा तो वो बंदे का कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा, उसके अंदर वो डर आ जाएगा शायद मेरे से ये बिजनेस नहीं होगा। तो भाई ये गलती मत कीजिए, ऑफिस में बैठ के फीडबैक का कल्चर को छोड़ के थोड़ा बाहर जाइए। जितना मार्केट में जाके फीडबैक करेंगे उतना ही फीडबैक का मास्टर आप बनेंगे, राइट। तो ये जो फीडबैक है ये आज है भाई, हर कोई बंदा कर सकता है। हम जन्म लेने के बाद से फीडबैक कर रहे, लेकिन यार जन्म लेने के बाद से जब फीडबैक कर रहे थे तो वहां पे हमारे को कोई चीज सीखना नहीं पड़ता था, कोई वहां पे कोई डिसिप्लिन नहीं था, लेकिन इधर पे थोड़ा डिसिप्लिन मान के हमारे को फीडबैक में जाना है। तो बात जो कर रहा था एक होता है एजुकेशन का फीडबैक। आप किसी के घर में जाके एजुकेशन को बातचीत कर रहे करने के बाद क्या होता है, देखिए एजुकेशन का फीडबैक में क्या, हम जाते हैं पिताजी से बातचीत कर लेते कि ऐसा कोर्स है वैसा कोर्स है, करने के बाद आपका लड़का का जिंदगी में ये नौकरी आएगा, पर्सनालिटी मिलेगा, कम्युनिकेशन मिलेगा, एटीट्यूड मिलेगा, ये वो फलाना ढिंकाना बोल के पिताजी खुश पैसा दे दिया। अब जब जब एजुकेशन का फीडबैक करोगे आप फीडबैक नहीं सीखोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। खाली एजुकेशन का डिग्री जब तक उठाओगे आप फीडबैक अच्छे से नहीं सीखोगे, मेरे बात को बुरा मत मानिएगा। क्यों? क्योंकि एजुकेशन के फीडबैक में आप बिजनेस लेके डिस्कशन नहीं कर रहे हो, उसको सिर्फ कोर्स समझा के आप ज्वाइन करा रहे हो। जब तक आप बिजनेस को लेकर बात नहीं करोगे आपके सामने दिक्कत नहीं आएगा, और दिक्कत अगर आप झेलोगे नहीं तो आप फीडबैक नहीं सीखोगे। तो जिसके घर में भी जाओ, आज के दिन में भी लोग डर के मारे एजुकेशन दिखाते, बहुत सारा जूनियर ऐसा बोलता है दादा प्रेजेंटेशन में खाली एजुकेशन दिखाइए, इनकम मत दिखाइए। क्यों भाई? आपको उसको लागे तो नेटवर्क का बनना है, वो आएगा कोर्स करेगा निकल जाएगा तो आपका क्या फायदा है? वन टाइम बिजनेस होगा, मेरे को लाइफ टाइम बिजनेस चाहिए। अगर लाइफ टाइम बिजनेस करना है तो मेरे को उसको इनकम समझा कि लाना है, तब जाके वो क्या करेगा, काम को करेगा दिल लगा के। अगर वो सिर्फ कोर्स पढ़ने के लिए आएगा तो कोर्स पढ़ेगा निकल जाएगा। तो हाल ही में क्या किया, मैं भी पिछले 9 साल 10 साल एजुकेशन को लेकर बहुत बिजनेस किया। अभी भाई मैं ड्यूटी ने प्रोडक्ट बिजनेस पे ध्यान लगाया, पिछले 6 महीने से मैं प्रोडक्ट के अलावा कुछ काम नहीं किया। इस लॉकडाउन सिचुएशन में मेरे साथ वो उस तरह घटना हुआ, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत शेयर करूंगा। इससे मैंने फीडबैक मतलब वो लॉकडाउन सिचुएशन में भी बहुत फीडबैक करना पड़ा, ऐसे ऐसे हालत में जहाँ पे एक एक माइल निकालना मुश्किल हो गया था, घर से बाहर निकालने से पुलिस डंडा दे रहा था। उस सिचुएशन में मैं बाहर गया, मैं एक दिन प्रोडक्ट लेके निकला, पुलिस मेरे को पकड़ लिया और मैंने नारिश का आई कार्ड दिखा दिया, बोले तुम क्या लेके जा रहे हो? मैंने बोला ये कोरोना से बचने का आयुर्वेदिक चीजें है जो क्या करता है लोगों का इम्यूनिटी बढ़ाता है, और मेरे को ये प्रोडक्ट ले जाके हमारा बीजेपी का जो टाउन कमेटी का क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट भी उनको जाके पहुंचाना है, वो उनसे किसी गांव में जाके ये सब देना चाहते हैं। तो उन्होंने मेरे को फोन किया, मैं झूठ बताया, तो पुलिस बोला ठीक है भाई चला जाओ। तो दिमाग में ये आइडिया आया कि मेरे को प्रोडक्ट पहुंचाना है, सेल करना है, रेडीमेड। तो जब लॉकडाउन लग गया था तो मेरे को अपना अचीवमेंट कंप्लीट करने के लिए 3200 माइल्स की जरूरत था, और उस टाइम पे मेरे पास कोई एसोसिएट नहीं था जो मेरे साथ इस काम को आगे मदद करे। मैंने देखा 3200 माइल सबमिट करूंगा तब जाके मेरे को बोनस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला है, या तो जो बोनस मिलेगा वो बहुत ही कम है। तो मैंने देखा ये 3200 माइल मेरे को निकालना है। तब लॉकडाउन 2 खाली खत्म हुआ था या चल रहा था, मेरे ख्याल था लॉकडाउन 2 चल रहा था। लॉकडाउन 2 जब चल रहा था तब मैं एक जगह पे अटक गया था ड्यूरिंग लॉकडाउन। ड्यूरिंग लॉकडाउन मैं अपने घर से 60 किलोमीटर दूर एक जगह पे फंस गया था, वहां से मैं रिटर्न नहीं आया। तो पहला लॉकडाउन में पूरा वहां पे बिताया, सेकेंड लॉकडाउन पे मैं पार्सल ऑफिस से परमिशन लेके आया वापस घर में। उधर आने के बाद मैं एक दिन घर जाके देखा अपना जो करीमगंज का सेंटर है वो बंद है। दूसरे दिन मैं अमिताभ दास को फोन करके बोला भाई सेंटर खोलो, पीछे से खोलो, घर में बैठ के अच्छा नहीं लग रहा है, उधर के बातचीत करना है। तो फिर विक्रम सिंह को बुलाया, फिर हम लोग बैठ के उधर बातचीत स्टार्ट किया कि इस हालत में कैसे बिजनेस को करना है। उसी बात के मेरे को इतना माइल्स चाहिए तब वो आएगा कहां से? मैं सोचा यार अभी और कोई रास्ता नहीं है, अभी मेरे को घर घर में घुस के प्रेजेंटेशन करना है, कुछ भी हो जाए, चाहे जो कुछ ले ना ले, मेरे को क्या करना है, प्रेजेंटेशन दिखाना है। प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा तो रिजल्ट आएगा, प्रेजेंटेशन दिखाने का मतलब मेरे को जबरदस्त फीडबैक देना पड़ेगा। तो शुरुआत किया एक हाउस वाइफ से, उनको प्रेजेंटेशन दिखाया, वो स्कूल टीचर थे। प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद उन्होंने बहुत सारा दिक्कतें दिखाया, उसका पैसे का प्रॉब्लम है, ये पॉइंट सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया खुद से। हेलो दादा, कुछ बोल रहे मेरे को? नहीं सॉरी सॉरी सॉरी। तो उस जगह से जाके उनका बहुत सारा मनी का प्रॉब्लम था, प्राइवेट स्कूल में जॉब करते, उनका पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व कराया, लेकिन ज्यादा मनी उन्होंने लिया नहीं। अभी एक चीज में देख रहा हूँ कि एक प्रॉब्लम आ रहा है, लोग 25 माइल में ज्वाइन कराते लेकिन उसको 100 में कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे।
क्यों नहीं कर पा रहे को जानना जरूरी है। वो मेरे साथ भी हुआ है और मैंने उसका सोल्यूशन भी निकाला और आज के दिन में मेरे को उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। तो वो हाउस वाइफ ने सिर्फ 13 माइल लेके एडमिशन किया, मैंने उनको सिर्फ 13 माइल से एडमिशन कराया, लेकिन भाई मैं चुप नहीं बैठा, मैं उनको एडमिशन करा के दूसरे दिन उनके घर में प्रोडक्ट ले गया, उनको प्रोडक्ट के बारे में समझाया और बोला आप किनके पास ये प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, मेरे को लेके चलिए उनके साथ, मेरे को लेके साथ में लेके चलिए। अगर आपने किसी को 25 माइल में ज्वाइन कराया और उनको अगर आप 100 माइल में कॉन्वर्ट कराना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जो काम करना है उनके साथ में जाकर उनका प्रोडक्ट को सेल करा के दीजिए। जब आप उनके साथ में जाके उनके कस्टमर के पास जाके उनका प्रोडक्ट सेल करा के देंगे, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि प्रोडक्ट सेल होता है, तब जाकर वो एक ही साथ में बाकी 22 दे सकता है। क्योंकि जिस औरत के मैं हाउस वाइफ की बात कर रहा हूँ, उन्होंने सिर्फ 13 माइल लेके ज्वाइन किया था, लेकिन विदिन 1.5 मंथ उन्होंने अपना 100 माइल पूरा किया, अपना हस्बैंड का आईडी बनाया, उनका आईडी से अपनी 50 माइल पूरा कर दिया। क्यों? मैं सिर्फ 7 दिन उनके साथ गया था, 7 दिन में उनके पड़ता है उनके साथ आया और आज के दिन में वो अपना 100 माइल पूरा किया, अपना हस्बैंड का 50 माइल का ज्वाइनिंग कराया। सो क्या क्या अभी जो प्रॉब्लम क्या है, मैं देखा हूँ आज के दिन में जो प्रॉब्लम आ रहा है, हमेशा का प्रॉब्लम नहीं है, अब तक कोरोना ये प्रॉब्लम लोगों को फेस करना पड़ता है। पहले हम 10 लोगों को प्रोग्राम दिखाते थे, 5 लोग 100 माइल का डिजी बना रहे थे तो दिक्कत नहीं आ रहा था। आज के दिन में क्या हो रहा है, हम 10 लोगों को प्रोग्राम दिखा रहे तो क्या होता है, बहुत कम लोग क्या होता है 100 माइल का डिजी बना रहे, तो लोग 25 माइल में 15 माइल में 20 माइल में 30 माइल में 50 माइल में ज्वाइनिंग कर रहा है और इनसे हम क्या कर रहे हैं, इनको हम प्रोडक्ट सेल करने में मदद नहीं कर रहे। तो मदद जब नहीं कर रहे उनका प्रोडक्ट घर में स्टॉक होता जा रहा है, उनको दोबारा प्रोडक्ट ले वो बिलीव वो कॉन्फिडेंस उनको नहीं मिल रहा है कि मैं दोबारा प्रोडक्ट लूं, क्योंकि पहले का प्रोडक्ट ही घर में पड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, अगर किसी को आपने 25 माइल में 50 माइल में ज्वाइन कराया तो भाई नेक्स्ट डे उनके पास जाइए, उनसे बातचीत कीजिए और किनको ये प्रोडक्ट वो बेचना चाहते हैं उनका लिस्ट बनाइए, आप उनके संग में जाइए ताकि उनका प्रोडक्ट सेल करने में उनको मदद कीजिए। अगर उनका प्रोडक्ट आपने सेल करके दे दिया 4-5-6 दिन में तो देखना दोबारा वो अपना माइल पूरा कर। हाँ, कि तुमने एक चीज कंपल्सरी कर दिया कि जो भी इतना कोशिश रहेगा कंपल्सरी नहीं है, तो क्या इससे भी उनका 10 माइल और कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे करके हम जिसको भी ज्वाइनिंग करा रहे तो 3200 माइल्स की जरूरत था, तो ऐसे ऐसे करके आज उस हाउस वाइफ को लेकर उनका 20-25 का टीम हो गया और मेरा 3200 माइल कंपनी का जो मार्च का ईयर एंडिंग जून में गया था, जून का 29 था, कितना तक टाइम दिया था भूल गया, उससे बहुत पहले मैं अपना टारगेट कंप्लीट कर चुका था खुद के दम पे। उस टाइम पे मैंने अपना पर्सनल 12 ज्वाइनिंग लगाया, 12 पर्सनल ज्वाइनिंग कराया ड्यूरिंग लॉकडाउन और उन लोगों को लेके काम करा के क्या किया, मैं अपना अचीवमेंट निकाला। उस टाइम पे मैंने ज्वाइनिंग कराया अपना खुद का बहन को, खुद में भाभी को, मेरे भैया को, सबको ज्वाइन कराया और आज के दिन में सब स्मार्ट वैल्यू करते पूरी फैमिली स्मार्ट वैल्यू में आज के दिन में काम कर रहा है। राइट, तो एजुकेशन को लेके हमारे यहाँ पे भी बहुत सारा दिक्कत आ रहा है, क्योंकि पहले हमने बताया था बहुत छोटा मोटा एरिया में हम रहते हैं। राइट, तो आज के दिन में फुल फोकस लेके हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को लेके काम कर रहे हैं। भाई कोरोना आए, कैटरीना आए या कुछ भी आए, हमारे को अपना जिंदगी का सपना पूरा करना है। एक कोरोना वायरस या कैटरीना वायरस आके मेरा जिंदगी का सपना रोक नहीं सकता है, तो मेरे को क्या करना है, अलग अलग तरीका निकालना है। राइट, आज अलग अलग तरीका निकालना है। मान लो आप क्रिकेट भी खेल रहे हो, 13 बॉल में अगर आपको 30 रन चाहिए, बहुत सारा तरीका हो सकता है, एक बैट्समैन रोकेगा दूसरा मारेगा या तो दोनों ही मारेंगे, बहुत सारा तरीका हो सकता है। आपको सोचना है कि इस हालत में मेरे को कैसे सेल लाना है। आज के दिन में अगर आपके मार्केट में 100 माइल का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप 50 माइल में जाइए और 50 माइल में कोई बंदा ज्वाइन करता है तो उनका प्रोडक्ट सेल करने में मदद कीजिए, तो दोबारा वो अपना माइल ले लेंगे बहुत जल्दी। तो आपको अपने हिसाब से बिजनेस को करना है, अपने एरिया के हिसाब से। जैसे हमारे एरिया के हिसाब से हमने स्टार्ट किया कि 25-50 में हम ज्वाइनिंग लाएंगे, उनका प्रोडक्ट सेल करने में हम मदद करेंगे, फिर जाके हम क्या करेंगे, फिर जाके उनको माइस लेंगे, माइस लेने में मतलब करेंगे, तो माइस लेंगे। एक बार प्रोडक्ट सेल करने के बाद उनका क्या होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है तो खुद से जाके प्रोडक्ट सेल कर पाता है। तो देखिए अल्टीमेटली घूम फिर पे क्या आ रहा है, उनका प्रोडक्ट सेल करने के लिए भी मैं जब जा रहा हूँ तब भी मेरे को क्या करना है, उधर पे जाकर लोगों को फीडबैक करना पड़ रहा है। हर एक चीज के लिए फीडबैक, जब एक प्रोडक्ट भी सेल करने जाएंगे वहां पे भी बहुत सारा क्वेश्चन अराइज हो रहा है। हाँ, अभी मार्केट में बहुत सारा XYZ आ गया है, ये लोग आके उल्टा सीधा बोल रहा है दाम कम है दाम ज्यादा है। भाई दाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक चीज दिमाग में घुसाई, मेरे ब्रांड स्मार्ट वैल्यू गाड़ी से एक ब्रांड है, 20 साल से काम कर रहा है। ब्रांड कभी क्या करता है, कॉम्पिटिशन को देख के अपना क्वालिटी खराब नहीं करता है। नैनो कितना भी लाख रुपए में गाड़ी लाए, मर्सिडीज को भी लाख रुपए का गाड़ी नहीं बनाएगा, क्योंकि वो मर्सिडीज एक ब्रांड है। तो ब्रांड अपना क्वालिटी कभी खराब नहीं करेगा दूसरा कॉम्पिटिटर के लिए। राइट, तो ये कितने लोग आएंगे जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
आपको हानि क्या करना है, अपना पूर्व सिख में ध्यान लगना है। अभी देखिए ऐसे ही इस हालत में लोगों का क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग जैसे कि आज हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग घर से भी नहीं निकल रहे हैं, जो कोरोना की वजह से नहीं, क्योंकि आपने जो गाड़ी का मतलब वो तैयार है उतना बढ़ा दिया। पहले जिस जगह पे जाने के लिए 20 रुपया लगता था, अभी 40 रुपया 50 रुपया ले रहा है। तो जहाँ पे लोग पहले 20 रुपये में आना जाना हो जाता, वहाँ पे लोग को 100 रुपया खर्चा हो रहा है। तो खर्चा ना करने की वजह से लोग घर से नहीं निकल रहे आज के दिन में, तो वहाँ पे हम खुद जाके काम कर रहे हैं। तो क्या होता है, कुछ बताया मैंने कि एजुकेशन का फीडबैक में ये होगा कि आप जाके गार्जियन को एजुकेशन समझा दिया, वो एडमिशन ले लिया। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में जब आते हैं, लोग प्रोडक्ट को एडमिशन नहीं लेता है, लोग बिजनेस को देख के एडमिशन लेता है। तो बिजनेस को अच्छे से समझाना है, हमारा जो इनकम पार्ट है उनको अच्छे से समझाना है। इनकम पार्ट को जब समझाएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, और उस क्वेश्चन को जब आप फेस करोगे जितना ज्यादा, उतना ही ज्यादा आप बिजनेस को सीख पाओगे। राइट, यहाँ पे जितने सारे जूनियर है वो लोग जाके जूनियर के साथ बैठ के सुनना, सारा लोग फीडबैक में जाके क्या करता है, जूनियर बात कर रहा है, जूनियर बैठ के मोबाइल में व्हाट्सएप करने लग जाता है। ये सब नहीं करना है, सीनियर क्या बात करना है, आपको ध्यान से बैठ के सारी चीज को सीखना है। अब जब सीखोगे तो हम जाके दूसरे के साथ आप बात कर सकते हो। राइट, तो फीडबैक एक बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, एक दिन में कोई आपको फीडबैक सिखा नहीं सकता है। ने किया फीडबैक का जो मास्टर है स्मार्ट मिल में, मिस्टर सुनील जी छोटीकारी साहब, वो भी अगर आपको बैठ के लोगों का समझा देंगे तो भी आप फीडबैक नहीं सीखोगे जब तक आप मार्केट में जाओगे नहीं। फीडबैक सीखने का एक ही रास्ता है भाई, बोले किसी के घर में जाओ फीडबैक करो तभी आप फीडबैक सीखोगे। क्योंकि जो भी लोग आज के दिन में जबरदस्त तरीके का फीडबैक कर रहा है, वो उसके के घर में जा जाके फेल कर करके वो लोग फीडबैक को सीखा। आपको भी बाहर जाना है, आपको भी किसी के घर में घुस के फीडबैक करना है, और जो फीडबैक करेंगे तो जो मैंने बताया था वो सारे तैयारी आपको संग में करना है, आपको तैयार होकर ही जाना है। आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स होना बहुत जरूरी है, वो सारा प्रिपरेशन लेके आपको फीडबैक में जाना है। और शुरू शुरू में सारा फीडबैक तो सीनियर करके देंगे, जो लोग जूनियर है सीनियर क्या कर रहे क्या नहीं, वो सारा चीज को आपको फॉलो करना है और सीखना है, तब जाके आने वाला दिन। हमने भी एक दिन में नहीं सीखा, हमारे को भी टाइम लगा, हम भी बैठ बैठ के बहुत जूनियर को बहुत थ्योरी सिखाते हैं, लेकिन थ्योरी सीख के काम नहीं होता है। जब तक वो मार्केट में जाके खुद उस चीज को फेस नहीं करेगा, तब तक वो एहसास नहीं करता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। राइट, बहुत सारा लोग आज के दिन में फोन में फीडबैक कर लेते हैं, ये बहुत गलत प्रोसेस है, ऐसा हमको नहीं करना है। तो जैसा गाइडलाइन हमारे को मिल रहा है वैसे ही करना है। राइट, तो फीडबैक एक बात चैप्टर है। एक्चुअली आप फीडबैक में अगर हम बात करने जाएंगे तो मेनली जो बात होता है वो होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वो बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन ये प्रिपरेशन वगैरह लेके हम बात करेंगे तो बहुत छोटा है। मेरे जिंदगी में बहुत सारा किस्सा हुआ है। एक बार क्या हुआ था, एसपीएल आया था, मेरा जूनियर प्रीतम सिंह का एसपीएल बनने का चांसेस था, लेकिन उस टाइम पे मेरा एसपीएल नहीं होगा ऐसा मेरे को समझ में आ गया था। तो मैंने देखा मेरा जब एसपीएल नहीं हो रहा है तो मैं जूनियर को मदद करता हूँ, उसका एसपीएल वो पहली बार उसका पायलट ट्रिप था। तो ऐसा हुआ था, दिन में 8-10 फीसदे हमारे को करना पड़ रहा था। तो हमने डिसाइड कर लिया, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तुम आता करो लोग मैं आता करो। एक घर में फीडबैक करने जा रहा था, लेकिन वहां पे क्या है, बीच में एक नदी पड़ता है, छोटा सा नदी, और उस नदी का जो पुल होता है ब्रिज, वो टूट गया बारिश की वजह से। अभी उस नदी को क्रॉस करके जाना है और जाके उनके घर में घुसना है। तो क्या हुआ था, ब्रिज तो टूट गया, नदी का पानी भी बहुत कम हो गया था, जब बारिश होता है तो बहुत पानी आ जाता है। तो पानी, तो हमने क्या किया, उस नदी को क्रॉस किया पैदल, पूरा शरीर में कीचड़ लगा हुआ है, वो कीचड़ लेके पुस्तक के घर गया, उनके घर से पानी लेके साफ किया, करने के बाद फीडबैक किया, पूरा स्मार्ट कुमार का 125 माइक्स लेके आया। पता नहीं वो इंसान को क्या समझ में आया, लेकिन वो इंसान देखा हमारा डेडिकेशन, जहाँ पे ब्रिज नहीं था वो नदी को क्रॉस करके हम आए उनके घर के समझाने के लिए, वो डेडिकेशन देख के वो अपना लड़का को एडमिशन करा दिया। तो ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट है जिंदगी में फीडबैक करते हुए मिला। तो बार बार एक ही चीज बोलूंगा, हमारे को अच्छे से प्रिपेयर होना है, और होम फीडबैक करने से पहले स्पॉट फीडबैक में ज्यादा ध्यान दीजिए। स्पॉट फीडबैक जितना अच्छा होगा रिजल्ट आने का चांसेस उतना अच्छा होता है, स्पॉट फीडबैक अगर खराब होगा तो रिजल्ट भी नहीं आएगा अच्छा सा, बहुत दिक्कतें आपको झेलना पड़ेगा होम फीडबैक में जाके। और मैं बोलूंगा कि स्पॉट फीडबैक जो लोग एसटी भी करते हैं वही करें, जूनियर के ऊपर ना छोड़े, क्योंकि एक नया बंदा उतना अच्छे से बात नहीं कर पाता है। और क्या होता है, हमने जो 1-1.5 घंटा बातचीत करके जो सिचुएशन जो माहौल तैयार किया था उसको पूरा बिगाड़ देता है। राइट, तो फीडबैक में लेके क्वेश्चन आंसरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन ये अभी बात नहीं कर सकते, ये बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। राइट, तो थोड़ा देर मेरे को बताया गया था कि फीडबैक का प्रिपरेशन कैसे करना है, ये था प्रिपरेशन ऐसे हम लोग करते हैं, शायद आप लोग को बहुत अच्छे से समझा के दे रहे हैं। हम ऐसे करते हैं, हमारे यहाँ पे हम ऐसे कर रहे हैं और हमारे को इसका रिजल्ट मिल रहा है। ये लॉकडाउन टाइम में भी हमने बहुत सारा रिजल्ट निकाला। राइट, अभी देखिए पूरा इंडिया में लॉकडाउन नहीं है, फिर भी हमारे इधर तो और 12 दिन का लॉकडाउन एक्स्ट्रा लग गया था। अभी हालत ऐसा है
पूरा आसाम में लॉकडाउन होने का चांसेस है। यहाँ पे इतना केस बढ़ गया है, हर रोज 3,000-4,000 केसेस आ रहे, उस हालत में घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है। फिर भी क्या कर रहे हैं हम लोग, अपना काम को जारी रख रहे हैं। हम एसोसिएट को नहीं बुला रहे, हम खुद पहुंच जा रहे हैं उनके पास, क्योंकि 10 लोगों को बुलाने से अच्छा है खुद पहुंच जाओ। तो अभी हम लोग को दबा भागना पड़ रहा है, और एक एक फीडबैक के लिए हम जहां जाना पड़ रहा है हम जा रहे हैं। हम ऑफिस कर रहे प्रोडक्ट लेके आएंगे और हम फीडबैक घर घर में घुसे फीडबैक कर रहे हैं। फीडबैक करेंगे तभी रिजल्ट आएगा, फीडबैक करेंगे तभी आपने कॉन्फिडेंस आएगा, फीडबैक करेंगे तो आपका इन्विटेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप बातचीत करने का तरीका सीख जाएंगे। फीडबैक करेंगे तभी जाके आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होगा। तो ये फीडबैक ही ऐसा चीज है जो आपको सेल भी लाके देगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी लाके देगा, आपका प्रोग्रेसिव को भी और मजबूत कर देगा। तो फीडबैक को ओ पापा, फीडबैक को बहुत ही अच्छे से करना है, बहुत ध्यान लगा कर करना है, और सीनियर के संग में जाके होम फीडबैक में जो जो बातें मैंने बताया वो काम आपको करना है, राइट। तो ये था फीडबैक के बारे में, थोड़ा प्रिपरेशन कैसे करना है। बाकी जो पार्ट है फीडबैक का, कि जो ऑब्जेक्शन आता है उनको हम कैसे हैंडल करेंगे, उसको लेके कोई दूसरा सीनियर कभी आप लोगों से बात करेंगे। तो मेरे को ये थोड़ा चीज बातचीत करने का बताया गया था, तो जितना मैंने फीडबैक के ऊपर समझा या सीखा इतने दिन में, वो थोड़ा बहुत चीज मैंने बताया, राइट। तो ये था मेरा फीडबैक के ऊपर। अभी बहुत सारा इंसिडेंट लाइफ में हुआ है फीडबैक को लेके, और इस बिजनेस को करते हुए पूरा इंडिया का कोना कोना घुमा, और भगवान की कृपा से एक चीज मेरे साथ हमेशा हुआ है, जिस मार्केट में मैं गया स्ट्रेंजर मीट करने के लिए, कहीं से भी मैं खाली हाथ नहीं लौटा। ये एक अच्छा चीज मेरे साथ हुआ, मैं जिस मार्केट में भी गया था उधर से मैं दीदी उठा के ही आया, खाली हाथ नहीं आया। चाहे जहाँ पे, चाहे नागपुर हो, चाहे पुणे हो, चाहे संगम नेर हो, चाहे मध्य प्रदेश का भोपाल में हो, इंदौर में हो, ग्वालियर में हो, कलकत्ता में भी बहुत दिन रहा, इधर भी मैं गया, मैं दीदी उठा लिया स्ट्रेंजर का फीडबैक करके। ये क्वालिटी आ गया था कि इंसान की जेब से पैसे कैसे निकालना है वो समझ गया था, क्योंकि लोगों का कॉमन ही प्रॉब्लम है भाई, वो पैसे का प्रॉब्लम, समय का प्रॉब्लम, नेटवर्क बिजनेस, चेन बिजनेस, यही 4-5 क्वेश्चन का आंसर आपको सीखना है, और इसको बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, समझने वाला तक डिलीवर करना है। अगर यही काम आप कर पाए तो आप भी अनस्टॉपेबल बन जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता है। एक चीज भाई, रिजल्ट आर रिवार्डेड एबाउट आर नॉट, बिजनेस में उतार चढ़ाव चलता रहेगा। क्यों? नेताजी हैज मेनी अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी में बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स था, फिर तो हम तो आम इंसान है, हमारी जिंदगी में भी अप्स एंड डाउन्स रहता है। बिजनेस जब बहुत अच्छा होता है तो इंसान कुछ सीखता नहीं है, वो बहुत खुश रहता है, बिजनेस आ जा रहा है। लेकिन बिजनेस जब स्लो होता है तो इंसान को सीखने का मौका मिलता है। आज कोरोना ने हमारे को सीखने का बहुत अच्छा मौका दिया है। जिंदगी में पिछले 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि इतना दिन हम घर में बैठे हुए, तो इस टाइम को बहुत सारा लोगों ने अपने आप को डेवलप करने में काम में लगाया, और बहुत सारा लोग टीवी देख के पबजी खेलते टाइम बिता दिया। तो आज भी टाइम है भाई, फीडबैक में जाइए, फीडबैक सीखिए, और ज्यादा से ज्यादा फीडबैक कीजिए। जितना ज्यादा फीडबैक करेंगे उतना ज्यादा परफेक्शन अपने आएगा, और ऑफिस में बैठ के फीडबैक करने का कोशिश मत कीजिए, ये एक रिक्वेस्ट है मेरा, राइट। तो इतना ही बोलना था,